ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर महोबा से है, जहां आज हम आपको ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे मोदी भक्त कहा जा सकता है। जी हां, वैसे तो देश दुनिया में लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, लेकिन उनके भक्त बहुत कम हैं जो उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। इन्हीं में से एक हैं सीताराम सेन, जो पीएम मोदी के भाषण से इतने प्रभावित हुए कि नोटबंदी के दौरान दमन से अपनी नौकरी छोड़कर ही अपनी पत्नी के गाँव आकर गाँव को डिजिटल बनाने के लिए डिजिटल इंडिया के तहत लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया और सरकार की योजनाओं से गांव वालों को रूबरू कराया तथा गांव में एक डिजिटल सेवा केंद्र खोला जिससे गांव वालों के कार्य ऑनलाइन किए जा सके। इनका उद्देश्य था कि किसी भी ग्रामीणों को ऑनलाइन काम करने के लिए बाहर ना जाना पड़े, गांव में ही डिजिटल रूप से रोजगार मिले। वर्तमान में ये सेला पूर्वा ग्राम में राम जानकी मंदिर में अपने डिजिटल संसाधन सहित डेरा जमाए हुए हैं और मोदी की लंबी आयु के लिए अन्न जल त्याग कर 108 अखंड व्रत भी पूरे किए तथा सुंदरकांड का पाठ करते हुए आध्यात्मिकता में भी लीन रहते हैं। वहीं 8 साल से हर रोज ये एक टी शर्ट के माध्यम से मोदी को हमेशा सीने से लगा कर रखते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने मोदी को 2019 में जीत दिलाने के लिए 5 बार तीर्थधाम चित्रकूट पैदल यात्रा की तथा कामतानाथ स्वामी की 5 बार लेटकर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की। इन्होंने 22 जनवरी 2024 को अपने गांव राम जानकी मंदिर से भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में हुई थी पैदल ही की थी। आइए आगे क्या कुछ कहना है मोदी भक्त का सुनते हैं। आप डिजिटल गांव बनाना चाह रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा और इससे अर्थव्यवस्था कैसे सुधारण होगी गांव की और किस तरीका से जो युवा वर्ग है या बच्चे हैं कैसे प्रोत्साहित होंगे और इनके भविष्य किस तरीके से बनेगा? देखिए, मेरा एक माध्यम है कि अभी हमारे यहाँ गांव में समझ लीजिए बच्चे मोबाइल तो चला ही रहे जी, कई घरों में लैपटॉप और कंप्यूटर भी है जी। लैपटॉप कंप्यूटर से एक चीज़ है कि आज के टाइम पे आदमी रुपया तो कमा ही रहा है जी, लेकिन मोबाइल से उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और ये टीम है कि दिल्ली में लोग डॉलर कमा रहे हैं, आज के टाइम पे हिंदुस्तान में रह के भारत में रह के डॉलर कमाया जा सकता है। ये एक ऐसी पढ़ाई चली भी है जो है बाहर के लोग कर भी हैं, जो ऐसे लोग दिल्ली के लोग हैं उन लोगों ने अपने बच्चों को करवाई है। मैंने मोदी जी के कहने पर नौकरी छोड़ी थी अपनी मिसेज की, मेरी मोदी जी से यही मांग है कि मुझे गांव में रह के ही डॉलर की इनकम करनी है। उसके लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग की भी काफ़ी कुछ पढ़ाई भी कर भी रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ। यहीं से पदयात्रा की थी अयोध्या, इसी मंदिर से यहीं से प्राप्त पदयात्रा शुरू की थी, 10 दिन में गई। तो क्या आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या गांव वालों के प्रति आपकी सोच है? देखिए, गांव वालों के प्रति मेरी यही सोच है कि गांव में सरकार जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, सरकार की जो नीतियां हैं वो गांव में उतरें, जो गांव की कमियां हैं वो सरकार के पास पहुँचें, क्योंकि नीचे का गाँव का फीडबैक बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए। वैसे तो सरकारों का काम बाहर बहुत हो रहा है, ये हाँ पेपरों में हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन धरातल पे कम उतर रहा है। तो आपका ये मानना है कि जो भी हो रहा है कागजी स्तर पर हो रहा नहीं, है किसी स्तर पर बहुत ही कम देखा जा रहा है? धरातल स्तर पर हो रहा है, 100% में से 70% धरातल स्तर पर दिखता है, बाकी समझ लीजिए कि 30% नहीं दिखता है। इसे इस विषय में किसे दोषी मानते हैं? इस विषय में दोषी मानते हैं हम सरकारी अधिकारी, जो कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अभी आप समझ लीजिए कि अगर कोई लोन लेने जाता है, कोई सरकार की योजना लेने जाता है, तो आदमी को थोड़ा परिश्रम करना पड़ता, परेशान होना पड़ता है। अगर वो आदमी जागरूक है, डिजिटल कैमरे, भगवान भोलेनाथ की तीसरी आँख के कैमरा है, इस कैमरे का इस्तेमाल करना जानता है, तो वो आदमी अपना काम बखूबी करवा सकता है, आदमी जानते हैं। अगर उसको जागरूक नहीं है, समझदार नहीं है, आज के ज़माने में डिजिटली रूप से हर आदमी को जागरूक होना चाहिए, मेरा यही उद्देश्य है। सबसे बड़ा इस उद्देश्य के पीछे मैं कुछ है थोड़ा सा अपने परिवार के मामले में नीचे भी गया हूँ। मैंने समाज सेवा मेरे जैसे आदमी को नहीं करनी चाहिए, जबकि मैंने समाज सेवा सीखी। समाज सेवा उसको करनी चाहिए जिसके घर में पैसा हो, आता हो, दूसरों को देने के लिए पैसा हो। लेकिन मैंने गलती ये की है कि मैंने खुद गरीब होकर समाज सेवा शुरू की। आपके पास में आर्थिक आय की क्या स्रोत थी? अब मेरे पास आर्थिक आय की स्रोत था यहाँ पे डिजिटल सेवा केंद्र था, कंप्यूटर सेंटर जी, और उसको यहाँ पे गांव में कम उसका आना जाना होने की वहाँ लेके गया। तो अभी ये समझ लीजिए जो स्रोत था डिजिटल सेवा केंद्र वो बंद भी रखा है। आपके इस कार्य के लिए गांव वाले उत्साहित करते हैं, उनके अंदर कैसा जोश देखा जा रहा है? देखिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उत्साहित करते हैं जी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब सोचते हैं कि ऐसा ना हो,
हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है जो प्रोत्साहन करते हैं, जैसे आप लोग सब देख रहे हैं जो मेरे यहाँ आज मौजूद है इस मंदिर में। मैं उसको समझता हूँ कि वो मेरे लिए प्रोत्साहित करने के लिए आए, नंबरदार है ये सब करने भाई है, और सब लोग ये प्रोत्साहित जो आज इस मंदिर में भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो पदाधिकारियों का जो महोबा जनपद में पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, वो किस दृष्टिकोण से आपको देखते हैं? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देखने के नज़रिए से तो पहले जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रचारक का पद दिया, वर्तमान के जिलाध्यक्ष भी आए थे, सांसद जी भी हो चुके थे, और यहाँ पर जो वार्ड का फोन हुआ भगवान के घर निर्माण के लिए, वो माननीय सांसद जी ने ही बोला हुआ था कि वो भेंट करेंगे, लेकिन अभी ये समय में पता चला कि उनकी मिसेज की तबीयत खराब है तो वो बाहर, लेकिन धनुष बाण यहाँ अर्पण होने उनके सहयोग से होने हैं। प्रार्थना थी कि आप साथ से मोदी जी के फोटो की प्रार्थना यहाँ पर प्राण संस्कार, मैं भी हर जन्मदिन पर मोदी जी के आवास में जाता हूँ दिल्ली में, पीएम आवास में 17 सितंबर को सुबह 8 बजे इस गाँव से सीताराम सेन की एंट्री होती है, जो प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन का तोहफा प्राप्त किया है एक भक्त के नाते। क्या वहाँ से आश्वासन मिलता है जब आप जाते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, तो क्या फीलिंग महसूस होती है वहाँ? मेरे को फीलिंग यही महसूस होती है कि आज तक मैंने ये नहीं देखा कि कभी कोई गांव जैसी छोटी जगह से आदमी वहाँ तक उनकी आवाज़ तक कोई किसी और पीएम के समय में पहुँच पाया बगैर किसी अप्रोच के, बगैर किसी अप्रोच के। लेकिन मेरे जैसा कार्यकर्ता अगर पीएम आवास के अंदर पहुंच गया तो मैं मानता हूं कि हमारे गांव के लोगों की बातें भी पहुंचती हैं, और बहुत कुछ ऐसा हुआ भी है। आज ग्राम पंचायत के बाहर भी देख लिया जो इन 10 सालों में हुआ है, गौशाला के मामले में, ग्राम पंचायत के मामले में, सिर्फ जिस मामले में होना चाहिए उस मामले में नहीं हुआ, वो है शिक्षा। स्कूल आप देखेंगे, स्कूल का व्यवस्था आज भी नहीं है, और ये भी गए ग्राम का नाम है पुरवापनवाड़ी, स्कूल का नाम है सेलापुरवा, स्कूल जो नाम है उसका नाम है सेलापुरवा, गांव का नाम है पुरवापनवाड़ी, ग्राम पंचायत का नाम पुरवापनवाड़ी। इस विषय में आपने माननीय जिलाधिकारी महोदय से बातचीत की है? ग्राम प्रधान से भी बात की है, सभी को फिर मेरा जो कुछ है, मेरी पूरी खुली जिंदगी, मेरी रोज की एक नई अगर भावना निकलती है वो मेरे फेसबुक पे डली होती है। महोबा से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। जाहिर है पीएम मोदी के काम और उनकी छवि से लाखों लोग प्रभावित हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, उनके लिए कई तरह की मन्नत भी मांगते हैं। उन्हीं में से एक हैं सीताराम, जो अपने गांव को डिजिटल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सीताराम से लोगों को, खासकर आज के युवाओं को सीखने की जरूरत है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।